अचार के लिए मिर्च तैयार करेंगे। इसके लिए यहाँ पर 2 किलो मिर्च को 3 पानी से धोकर पानी से छान लिए हैं। एक प्लास्टिक बिछाकर सूती कपड़ा से मिर्च को पोंछकर इस पर सारे मिर्च को फैला लें। मिर्च छूने पर जब हल्का गर्म हो जाए तो इसको दूसरा ओर पलटकर धूप लगाएं। मिर्च दूसरी ओर भी जब गर्म हो जाए तो इसको धूप से हटा लेंगे। मिर्च को धूप लगाने के समय ही अचार को भी साफ करके सूती कपड़ा से पोंछकर दिन भर के लिए धूप में रखेंगे। अचार का पाउडर तैयार करेंगे। इसके लिए जिस बर्तन में पाउडर तैयार करेंगे उसको फ्लेम पर अच्छे से गर्म होने तक रखकर हटा लेंगे। एक दूसरा कढ़ाई में 1 कसा मुट्ठी अजवाइन और पीला सरसों 250 ग्राम डालकर चलाते हुए भुने हैं। जब सरसों बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए और छूने में नहीं बने तब फ्लेम से हटाकर गर्म में ही इसका मोटा पिसा पाउडर बनाएंगे। नाप के लिए 1 करछी जिसमें 125 ml नॉर्मल पानी हटता है और 1 खाने वाला मीडियम साइज का छोटा चम्मच लिए हैं। मसाला को भार और इस दोनों के नाप से ही बनाएंगे। 1 करछी धनिया पाउडर, 1 करछी सूप पाउडर, 100 ग्राम कश्मीरी मिर्च पाउडर जिसमें 30 ग्राम अंदाज से रखकर बाकी डाले हैं, आधा करछी जीरा पाउडर, आधा करछी आमचूर पाउडर या टेस्ट से डालें, 200 ग्राम काला नमक का पाउडर, 1 चम्मच मंगरेल, 2 चम्मच हींग पाउडर, 3 चम्मच सौंफ दाना, आधा करछी हल्दी पाउडर, आधा करछी गर्म मसाला पाउडर, 1 करछी या अपने टेस्ट से तीखा वाला मिर्च पाउडर, लाल मिर्च का छांटी और बीज दरदरा कुटा हुआ इसमें डालेंगे। 250 ग्राम लहसुन लेकर गांठ में से दाना और फिर दाना के चारों ओर से छिलकर धोए हैं। 250 ग्राम अदरक को भी छिलकर धोए हैं। दोनों को बिना पानी का जितना हो सके महीन पीस लेंगे। एक कढ़ाई में सरसों तेल को अच्छे से गर्म करके अदरक लहसुन को एक साथ डालकर लो फ्लेम पर पकाएंगे। जब मसाला तेल छोड़ने लगे तब फ्लेम से हटाकर पाउडर मसाला में डालेंगे। एक कढ़ाई सरसों तेल को धुआं आने तक गर्म होने फ्लेम पर रखें। तेल गर्म होने पर फ्लेम ऑफ करके एक करछी गर्म तेल मसाला पर डालकर किचन ग्लव्स पहने हाथ से अच्छे से मिलाएं और फिर मार लें। बाकी के तेल को साइड करके बिना ढके ठंडा होने रखें। भरे मिर्च को तेल में डुबाकर साफ और धूप लगाए शीशे के जार में रखें। मसाला बचा हो तो ऊपर से डालें। ठंडा तेल में बचा हुआ 30 ग्राम के लगभग कश्मीरी मिर्च पाउडर मिलाकर डालें और ऊपर से 150 ग्राम गुड़ को महीन टुकड़ा में तोड़कर डाले हैं। यहाँ गुड़ को मिठास के लिए नहीं बल्कि टेस्ट बैलेंस करने के लिए डाला गया है। जार को सूती के चौकोर कपड़ा से ढककर रबर या डोरी से चारों ओर से पे घुमाकर कसकर बांध ले। बिना ढक्कन का 8 दिन का धूप लगाने के बाद फ्लेम के ऊपर 1 बड़ा चम्मच को अच्छे से गर्म कर ले ताकि नमी और पानी खत्म हो जाए। इस चम्मच से अचार को जार में अच्छे से मिला लेंगे और 1 दिन का धूप लगाने के बाद अचार मेरा खाने के बाद तैयार हो जाता है।